देश की पहली अर्जुन अवार्डी रेसलिंग पहलवान और वर्तमान में फतेहाबाद में डीएसपी के पद पर कार्यरत गीतिका जाखड़ पर उनके चाचा ने मारपीट का आरोप लगाया है। चाचा प्रकाश वीर सिंह ने अग्रोहा थाना में शिकायत दी है कि डीएसपी गीतिका जाखड़, भट्टू कला में तैनात नायब तहसीलदार बलराम जाखड़, उनके पिता सत्यवीर जाखड़ और फतेहाबाद पुलिस के दो कर्मचारियों ने जबरदस्ती उनके घर में घुसकर उनके 88 वर्षीय पिता अमरचंद जाखड़ और उनके परिवार के साथ मारपीट की। आरोपियों ने उनकी गर्भवती पुत्रवधु को भी धक्का दिया और जान से मारने की धमकी दी। प्रकाश वीर के अनुसार सभी आरोपी फतेहाबाद पुलिस की सरकारी गाड़ी में सवार होकर उनके घर पर हमला करने के लिए आए थे। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। इस मामले की अग्रोहा पुलिस को शिकायत दी है, लेकिन पुलिस ने अभी तक केस दर्ज नहीं किया है। वहीं नायब तहसीलदार बलराम जाखड़ ने अपने चाचा सत्यवीर जाखड़ और उनके परिवार के खिलाफ 27 अगस्त को अग्रोहा थाने में शिकायत देकर मारपीट करने का केस दर्ज करवाया था। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों का अग्रोहा गांव में बने पैतृक मकान को लेकर विवाद है। मैं यहां घर पे सोया हुआ था, बुखार हुई हुई थी। घर पे बाहर गेट पे किसी ने घंटी बजाई, कुंडा खड़काया और कुंडा खड़काने के बाद में मैं गया तो हमारे जो है गाँव के फार्म पे जो एक मुजारा है राजू, वो गेट पे था। वो कहने लगा, जी मुझे चाबी दो, सफाई सफुई करनी है, कपास डालनी है। मैं कहा, नहीं भाई, हम आपको चाबी कैसे देंगे, हमारे भाई भाइयों का डिस्प्यूट चल रहा है, मैं चाबी नहीं देता भाई, हम अपने आप बलराम से बात कर लेंगे, तू जा। वो कहने के बाद मैं चाबी लेके उसके घर के ताला लगाने के लिए गया तो वो गेट खुले हुए थे और मैं अंदर गेट के बढ़े हूँ। अंदर बढ़ते ही फिर आगे देखा शटर खुले थे। मैं और थोड़ा अंदर गया हूँ तो वहाँ अंदर जाते ही वहाँ सुरबराहट मुझे सुनाई दी। वहाँ अंधेरा था और मेरे साथ वो मार पिटाई पे उतर गए। कौन कौन थे वहाँ पे? बलराम के साथ चार जवान और एक तो जो मेरे साथ यहाँ राजू था वो भी साथ गए, उसने भी मेरे को पकड़ लिया। तीन अंदर ऑलरेडी वो थे और उन्होंने 3 मिनट तक मेरी खूब पिटाई की और मैं पिटता पिटता गेट के पास आ गया। मैंने गेट का दरवाज़ा बंद कर दिया, भी मगा मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा भाई, तुम मेरे घर में आए क्यों। फिर वो ज़बरदस्ती कूट काट के गेट खोल के मैंने थोड़ी आवाज़ लगाई भी, अरे बेटा कहाँ आओ भाई, कहाँ गए, मेरे को तो मार दिया बाजो। फिर मेरी मिसिज गई, मैंने कहा भी तुम डंडा डुंडा ले गया, मेरा तो कर दिया काम। वो इतने वहाँ से निकल के भाग गए, फिर वो डंडा ले गया, मैं उसके पीछे भी भाग गया थोड़ी देर, मगर बलराम रुक भाई, तो वो चले गए। फिर मैंने ये सारी बातें मेरे बेटे को बुलाया, वो बाहर था, धर्मवीर को बताई, उन्होंने फिर SHO साहब को फ़ोन किया, 112 पे किया, भाई इस तरह वारदात होगी, फटाफट आओ। 9 या 10 मिनट के बाद में गीतिका अपनी जो है जो DSP है सरकारी गाड़ी जो है दुर्गा शक्ति लेके, उसमें अपने बॉडीगार्ड दो पुलिस जवान, तीनों बाप बेटे, नायब तहसीलदार बलराम, गीतिका DSP, उसके पापा सत्यवीर जाखड़ डंडों से लैस हो गए आए। आते ही जिस मकान में मैं रह रहा हूँ और ये वारदात जो उन्होंने पहले की वो मेरे मकान से दूर है, ये मेरे मकान पे पहुँच के वहाँ धर्मवीर मेरा बेटा खड़ा था, उसका आते ही उसके थप्पड़ मारे हैं, फिर मेरे चिमड़ गई, फिर मेरे दादाजी वहाँ पहुँच के पिताजी, उनको भी उन्होंने फटकार दिया, उनको भी चोट लगी। आखिर ये इन्होंने जो वारदात नहीं करनी थी, ये मेरे मकान पे बैठे है, तो निकल यहाँ से बाहर, तू क्या मांगता है, मेरा बनाया हुआ है। फिर हमने वो जो है वो वारदात करते रहे, कुटाई पिटाई करते रहे, ये सारी CC कैमरे में कैद हैं। और फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, SHO साहब फिर भी नहीं आए, वो देखते रहे, अब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर SHO को मैंने कहा, देखो सर ये आपके सामने ही भी हमें जो है कूटने लग रहे हैं, ये सरकारी गाड़ी ये ले गए हमें विद फोर्स, मैंने क्या जुल्म कर रखा है। तो फिर वो उनको पुलिस उन्हीं के साथ घूमती रही, मेरी कुछ सुनाई नहीं हुई, वो चले गए। मैंने वो जाके फुटेज सारी दोबारा देखी भी, कैसे कैसे उन्होंने की प्लानिंग थी, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से ये काम मेरे पे जो किया है। ये कारण ऑफ रंजिश ये है कि बलराम जो नायब तहसीलदार है, अभी उसके पीछे ही 28 फरवरी की शादी थी, उसने अपने बहुरानी से उनके कोई विचार मिल नहीं रहे, आपस में तनातनी है। मैंने उनको कहा भी ये बेटी तो बसानी पड़ेगी, मैंने उन रिश्तेदारों की जायज़ बात के लिए ये बात कह दी, इसी दुख से आगे उन्होंने जो है मेरे पर मार पिटाई की है और मेरे को न्याय नहीं मिल रहा। हम
आईजी साहब के पास भी गए हैं, एसपी साहब के पास भी गए हैं, एसएचओ साहब के पास गए हैं, और हमने इसके फुटेज निकाल के सभी सीएम साहब से भी मिलेंगे, होम मिनिस्टर साहब से भी मिलेंगे, प्रतिपक्ष नेता से भी मिलेंगे कि भी इस मत इस देश का कोई पुलिस का जो कोई अफसर हो अपने परिवार को अपने दादा को अपने इस प्रभाव से क्या घर आके इस तरह पिटाई कर सकते हैं, कोई क्या कानून है ना, मैं कानून पर पूरा भरोसा है और सरकार पर पूरा भरोसा है, हमारी सरकार है और हमें न्याय जरूर मिलेगा। आपने एफआईआर दे दी? हम एफआईआर दर्ज कराने गए, हमारी एफआईआर नहीं दर्ज की, वो कहने लगे भी 7 दिन लगेंगे आपको, वो गजटेड अफसर है दोनों, उनकी डीसी से परमिशन लेंगे फिर मुकदमा दर्ज करेंगे। फिर मैंने मुझे पता चला भी मेरे खिलाफ एफआईआर उन्होंने ऑनलाइन दर्ज करा रखी है, मैंने एसएचओ से बात की, मैं कहा आप मेरे को मिसगाइड क्यों कर रहे हो, बोला कैसे मिसगाइड कर रहा हूँ, आप कह रहे हो अभी पर्चा दर्ज करें, उनकी एफआईआर तो तुमने एक दिन बाद में कर दी और मैं जो है 26 की घटना है 27 की रात को उनकी एफआईआर दर्ज कर रहे हो, मगर ये अन्याय कर रहे हो आप मेरे साथ, मुझे न्याय नहीं दे रहे, मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। वहीं गीतिका जाखड़ ने फोन पर बताया कि वो उनके चाचा के लड़के को समझाने के लिए गई थी और उनकी तरफ से कोई मारपीट नहीं की गई। उनके चाचा ने उनके मकान पर कब्जा किया हुआ है। अग्रोहा थाना प्रभारी प्रियांशु दीवान ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 तारीख को उनके पास 2 शिकायतें आईं, जिनमें से पहली शिकायत डीएसपी गीतिका जाखड़ के भाई नायब तहसीलदार फतेहाबाद बलराम जाखड़ ने दी, जिसमें आरोप लगाए गए थे कि उनके चाचा प्रकाश वीर ने उनके पुराने घर में आकर उनके साथ मारपीट की, जहां बलराम जाखड़ का परिवार कपास की फसल रखने के लिए साफ सफाई करने गया हुआ था। दोनों ही शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए गीतिका के चाचा प्रकाश वीर और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं दूसरे पक्ष के 2 आरोपी फर्स्ट क्लास अधिकारी हैं। गीतिका जाखड़ फतेहाबाद में डीएसपी हैं और बलराम जाखड़ भट्टू में नायब तहसीलदार हैं। इस बारे में फतेहाबाद डीसी और एसपी को मामला भेज दिया गया है, उनकी तरफ से अनुमति मिलते ही दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया जाएगा। 26 तारीख को हमारे पास 2 दरखास्त मिली हैं, जिसमें पहली दरखास्त में गीतिका के जो भाई हैं बलराम जाखड़ की तरफ से आई है, जो अभी नायब तहसीलदार हैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, उनका दावा है कि उनके घर में जब वो अपना नरमा रखने गए थे तो उसमें उनके चाचा प्रकाशवीर जाखड़ ने उनके साथ हाथापाई की और उसके बाद अपने घर में जाकर भी उनके साथ हाथापाई की, जिसकी सूचना मिलने पर माननीय गीतिका जाखड़ जो अभी डीएसपी फतेहाबाद हैं वो वहाँ पे मौके पर आई और अपने पिता के साथ उन्होंने वहाँ पे मारपीट की है प्रकाशवीर जाखड़ के साथ। तो दूसरी दरखास्त प्रकाशवीर जाखड़ की है। इस मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने निष्पक्ष तरीके से एक मामले में जिसमें बलराम जाखड़ दरखास्त दे रहे हैं उस पर एफआईआर दर्ज कर दी है और दूसरे मामले में जिसमें प्रकाशवीर जाखड़ जिसमें अपनी दरखास्त दे रहे हैं उसमें 197 सीआरपीसी के तहत प्रोसिक्यूशन सेंक्शन के लिए एसपी फतेहाबाद और एसपी और डीसी फतेहाबाद को एफआईआर दर्ज करने से पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत उनसे एक परमिशन की दरखास्त ली। सर जिस मकान को लेकर विवाद हुआ है क्या उसमें कोई स्थिति साफ हो पाई है कि वो किसके हिस्से में था? देखिए इसमें परिवादी जो बलराम जाखड़ है उन्होंने अपनी डीड में तो दिखाया कि वह उनका घर है और वो अपने घर में जाने के लिए आतुर थे और वहाँ पे नरमा के लिए सफाई के लिए 2-3 मजदूरों के साथ वहाँ पे सफाई करने का कर रहे थे।